चक्का जाम का असर दिखा है और देहरादून में ये चक्का जाम था। ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि चक्का जाम का बड़ा असर देहरादून में देखने को मिला है। केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में ये चक्का जाम किया गया था। केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में ये चक्का जाम था और इसका बड़ा असर देहरादून की सड़कों पर दिखाई दिया। तमाम जो लोग थे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। निजी कॉमर्शियल वाहनों ने किया गया था चक्का जाम। तो यह आह्वान था आज का और आज पूरी तरह से उत्तराखंड के देहरादून के अंदर चक्का जाम है। स्कूल में बच्चों को छोड़ने नहीं आए थे और तो ये परेशानी का सामना करना पड़ा है उन बच्चों को जो स्कूल जाते हैं। और चक्का जाम का बड़ा असर देहरादून के अंदर देखने को मिला था। हालांकि पहले ही चेतावनी दी गई थी कि चक्का जाम किया जाएगा नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में और ये हुआ भी। आज तमाम दिन भर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जो बच्चे स्कूल जाते थे वो नहीं जा पाए क्योंकि ऑटो और टैक्सियां सब आज चक्का जाम में थी। नासिर हुसैन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर, चक्का जाम का बड़ा असर देखने को मिला, आज तमाम गाड़ियां बंद रहीं। देखिए, पूरे प्रदेश भर में चक्का जाम किया गया है जो प्राइवेट टैक्सी और कमर्शियल वाहन है, क्योंकि जिस तरीके से मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया और उसमें जो जुर्माने की दरें हैं वो बढ़ाई गई है, इससे तमाम जो कमर्शियल वाहन संचालक हैं वो इस बात के विरोध में उतर आए हैं और उनका कहना है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका जो उसमें जो संशोधन किया गया है वो प्रदेश में लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तमाम जो मोटर जो तमाम जो ये ट्रांसपोर्टर है उनको दिक्कत हो रही है और इसी वजह से ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश भर में चक्का जाम के हालांकि बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी माना जाए कहीं 60% जो चक्का जाम है वो रहा सबसे ज्यादा। नासिर, सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को उठानी पड़ी क्योंकि आज ऑटो नहीं आए, टैक्सी नहीं आए और पर्यटक भी परेशान नजर आए। देखिए, बिल्कुल सुबह 8 बजे से ही लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाना था और जो स्कूल ले जाने वाले ऑटो चालक थे वो नहीं पहुंचे समय पर, इस वजह से तमाम लोगों को खुद अपने बच्चों को स्कूल ले जाना पड़ा। हालांकि दोपहर होते होते जो तमाम जो जो बंद है वो टूटता नजर आया। और अब चलिए, शुक्रिया नासिर हुसैन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज देहरादून के अंदर चक्का जाम था और पहले ही चेता दिया गया था कि वो चक्का जाम रखेंगे टैक्सी मैक्सी और ऑटो वाले। आज दिन भर कोई गाड़ी नहीं चली और अभी भी नहीं चल रही है। ये विरोध था नया जो कानून लाया गया है। कमर्शियल वाहन भी आज बंद रहे, प्राइवेट वाहन भी आज बंद रहे और स्कूल में जाने वाले बच्चों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो सवारी थी उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।